बैक अगेन इन अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है, हम लोग दिग्गा तक का राइड करेंगे, दिग्गा घाट का राइड करेंगे। तो वहाँ तक बस एक इवनिंग राइड है, शॉर्ट राइड। तो आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन, सब लोग सेफ हो अपने घर पे सब लोग, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और मे भी फिर से पटना में लॉकडाउन होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो राइड कर लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं लॉकडाउन कब होगा, कब तक रहेगा, कब तक हटेगा, कुछ नहीं पता। तो पर डे 300-400 केसेस आ रहे हैं, तो इट्स बेटर टू बी सेफ। तो अभी सब लोग सोलो अपना बाइक पे जा रहे हैं आराम से, और भी कुछ फ्रेंड्स हैं पीछे अपने। चलिए पहले चलते हैं वहाँ तक, और अभी थोड़ा बहुत ट्रैफिक मतलब बहुत बढ़ चुका है रोड पे, मतलब पहले जैसा वो हाल नहीं था, जो पहले दिक्कत था हमें बहुत खाली खाली सा रोड, अब ऐसा कुछ नहीं है यार। और ये जो पूरा है, ये पूरा बिहार म्यूजियम है, बहुत ही बड़ा है। उधर से देखो इधर तक काफ़ी बड़ा ही है। अभी ये सब बंद है कोविड की वजह से, सारा कुछ बंद है, यहाँ कुछ भी खुला नहीं है। और एक चीज़ तो हमने देखते ही नहीं यार, बाइक में फ्यूल बहुत ही कम है, मतलब बस 1.3 दे रही है बाइक में, क्योंकि मुंगेर वाले राइड करके जो आए थे उसके बाद से अभी तक फ्यूल लिए नहीं थे। और ये अभी आगे आरून का एक बीटल चला रहा है ना, ब्लैक वाली डार्क नाइट एडिशन, तो ये हर्ट है एक्चुअली। इसका एक और इसका भी मतलब यूट्यूब चैनल है HR मोटो वर्ल्ड करके। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बाइक की रिव्यू वीडियो, कंपैरिजन वीडियो, जो भी लेटेस्ट वीडियोज आती है तो उसको लेकर मतलब उसकी चैनल पे वीडियोज आते रहती है, रेगुलर कंटेंट अपलोड करता रहता है। जो भी लेटेस्ट बाइक आती है सबकी रेगुलर वीडियोज, मतलब जो भी लॉन्च डेट या जो भी होता है तो उसके चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर प्लीज उसको भी थोड़ा सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करो उसके चैनल को। एंड वी आर जस्ट अबाउट टू रीच 200 के फैमिली बहुत ही जल्द, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड इट्स गुड वेरी कि बहुत ही कम समय में हम लोग ने इतना बड़ा फैमिली कर लिया अपना 200 का। और इधर चेकिंग लगातार बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है, कस्टमर चेक करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मतलब चोरी वोरी भी बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ को लेकर अच्छी बात है, चेकिंग वेकिंग करते मतलब होना चाहिए। और ये सारे ना मतलब पहले जितने भी रेड लाइट्स थे, ट्रैफिक लाइट्स, तो वो सब हटा कर ना सब जैसे यूटर्न वाली मतलब कि क्या उसको कह सकते हैं, डाइवर्जन बना दी गई है। तो इस वजह से अब ट्रैफिक रखता नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरे रोड में, तो मतलब ट्रैफिक बिल्कुल ना के ही बराबर लगता है। और शाम को बस थोड़ा बहुत इस वाले ब्रिज पर ट्रैफिक लगता है, क्योंकि उस दिन रात वाले डाला था तो उसमें था थोड़ा सा वीक था, उसके वजह से। ये देखिए सामने वो ब्रिज बन रहा है नया, बिल्कुल लेटेस्ट ब्रिज, तो उसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ब्रेकर देने का क्या ब्रिज पे भी ब्रेकर देने थे लोगों, और वो जो नया वाला ब्रिज बन रहा है ना बहुत ही अच्छा मतलब देखने में लग रहा है, जो अपना जैसे चिड़ैया चाल वाला ब्रिज है उसी के टाइप का मतलब इसका भी शेप दिया गया है। क्योंकि चिड़ैयागढ़ ब्रिज है वो नीचे पिलर नहीं है उस ब्रिज के, वो पूरा का पूरा वो जो रोप है उससे ही मतलब अटका हुआ है, तो इसका भी शायद जैसा ही कुछ हो। ये देखो इतने मोटे मोटे सब लगे हुए इसके रोप, तो उस पर वो अटका रहता है ब्रिज। Thank you.
तो ये जो पार्ट है मतलब कि ऊपर का दिख रहा है, ये जो नया वाला ब्रिज बन रहा है, तो ये सीधा से सीधा इनको कनेक्ट करेगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब ट्रैफिक जो है बहुत घट जाएगा इधर का, और ये जो रोड है मतलब साइन बोर्ड लिखा है, मतलब यहाँ से हाजीपुर बस 19 किलोमीटर है। अब इधर कदम उतर रहा है ट्रक से, और ये सारे जो एरिया ना मतलब बहुत ही अच्छा बनने वाला है इन फ्यूचर, बहुत ही अच्छा सोसाइटी कॉलोनी जो भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत खाली ज़मीन है इधर, और वहाँ भी सनसेट होने वाला है। तो मतलब कह सकते हैं ना कि ये एरिया मतलब फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छा मतलब पॉश एरिया टाइप का जो कह सकते हो वैसा बनने वाला है। सारे ज़मीन की प्राइस भी बहुत महंगी हो चुकी होगी। और ये जो हम लोग ऊपर से जा रहे हैं ना, तो यहाँ ऊपर से जाने पे सीधा हम लोग जेपी सेतु की तरफ जाएंगे, और अगर नीचे से जाएंगे, अगर किसी को भी जाना पूर्णिया जाएंगे और उस तरफ जाना है, तो उधर के लिए ये रास्ता है। और ये ब्रिज का व्यू बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब ग्रांड एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा व्यू, आगे का और भी अच्छा है। पहले भी ब्लॉग में आया होगा ये ब्रिज, ये देखिए अब हम लोग आ चुके हैं मतलब बिल्कुल गंगा घाट के कॉर्नर पे। इस ब्रिज का जो ये व्यू आता ना, यहाँ अपना गंगा नदी, गंगा माँ का नदी, इधर ये हो गया, वहाँ सामने जेपी सेतु ब्रिज, पता नहीं आप लोगों को उतना दूर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट वो सामने है और अभी क्रॉस जाएंगे तो पता चल जाएगा। और ये इस तरफ पूरा नदी, और यहाँ सामने पूरा जेपी सेतु का जो व्यू आ रहा है ना, बहुत ही अल्टीमेट आ रहा है, मतलब क्या कहें इसका। और बोट बहुत ज़्यादा अभी दिख रहा है यहाँ पास किनारे पे, बोट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है बोट में, बहुत लोग आके इधर बैठते बैठते शाम को। तो हम लोग भी यहाँ सोचे थोड़ा सा कि आकर अपना राइड छोटा सा करें यहाँ तक का। यहाँ से आराम से हम लोग नीचे उतर के और आगे की तरफ जहाँ पे साफ थोड़ा दिखेगा उधर जाके हम लोग रोक लेंगे बाइक को। व्यू देख रहे ना क्या अल्टीमेट है। अब अपने पास मरीन ड्राइव तो है नहीं, तो यहाँ पे है नदी, तो बस यहीं पे हम लोग बस थोड़ा सा शाम वाम में मतलब इंजॉय करने वाला जगह लग रहा है थोड़ा, जहाँ पे बैठ के थोड़ा शांति लगे। ऑफ रोडिंग अल्टीमेट, आगे का शायद रास्ता है या नहीं। हाँ इधर से है रास्ता, मतलब हम बहुत ही सही ट्रैक पे आए हैं, यहाँ से हम जा सकते हैं। उनको ऊपर से टर्न करना पड़ेगा। आराम से चढ़ जाएगा गाड़ी को, एकदम एक नंबर में डालना है, बस पैर से
से बैलेंस करके ऐसे रोड में निकाल लेना है। क्लच को बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्लच को पूरा छोड़ देना लगभग। देखो वो लोग आ रहे हैं कैसे निकल के। लुक एट द सनसेट, कितना प्यारा नज़ारा। सही है सही है, ऑफ रोडिंग हो गया भाई। ओ भाई सर सर सर, और अभी पीछे अपना 390 फंसा ही हुआ है, मेन वही है। ओ भाई अल्टीमेट। रेव रेव आराम से निकल जाएगा। बस 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 रेव रेव, चलो सही है। अरे यहाँ पे अब हम लोग आ गए, मतलब थोड़ी देर बैठे और यहीं पे रहेंगे भी काफ़ी देर तक। सनसेट हो चुका है लगभग, वो देखो वहाँ पे, और जो सनसेट का वॉटर में रिफ्लेक्शन आ रहा है बहुत ही अल्टीमेट अच्छा लग रहा है देखने में। ये रही अपनी वैम्प लगी हुई। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जल्दी से चैनल को। और जल्दी से फिर अच्छी सी वीडियो आने वाली है एक और, तो मिलते हैं फिर अगली व्लॉग में। और ये देखो इधर बोट चल रहा है पानी में, सब लोग मस्त उधर एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड लोग। चलिए फिर।